नमस्ते। आईटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड सर्किट ये आपके एक सिलेबस का पार्ट है, तो आज हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो तरंग अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से 3×10^6 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की बची की विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा संचार स्थापित करना रेडियो संचार कहलाता है। तो इसके मुख्य दो घटक हैं ट्रांसमीटर तथा रिसीवर। ट्रांसमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका कार्य है रेडियो तरंगे पैदा करना, उन पर संकेत तरंग को आरूढ़ करना यानी मॉड्यूलेट करना और उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में फैलाना। और रिसीवर का क्या काम है? यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका कार्य है अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों को प्राप्त करना, वांछित आवृत्ति की तरंग छांटना और उसमें से संकेत तरंग को पृथक करना और उसे श्रव्य या दृश्य रूप में पुनरुत्पादित करना। रेडियो ट्रांसमीटर, तो रेडियो ट्रांसमिट के मुख्य निम्नलिखित इकाइयां होती है। सबसे पहला है संकेत उत्पादक, सिग्नल प्रोड्यूसर, श्रव्य संकेत तरंग पैदा करने के लिए माइक्रोफोन रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर या डिस्क प्लेयर प्रयोग किया जाता है। दृश्य संकेत तरंग पैदा करने के लिए वीडियो कैमरा प्रयोग किया जाता है। RF ऑसिलेटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, यह 20 किलोहर्ट्ज़ से 3×10^6 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति के बीच आवश्यक कैरियर वेव पैदा करता है। ट्रांसमीटर से LC ऑसिलेटर या क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेटर, यह एक RF एम्पलीफायर परिपथ होता है जिसमें संकेत तरंग को वाहक तरंग पर आरूढ़ किया जाता है, यह क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है आयाम आरूढ़न यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की वह विधि जिसमें वाहक तरंग का आयाम संकेत तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है, आयाम आरूढ़न कहलाता है। इसका उपयोग श्रव्य संकेत प्रसारण में किया जाता है। टेलीकास्टिंग में दृश्य संकेतों का प्रसारण भी AM प्रणाली के द्वारा किया जाता है। दूसरा है आवृत्ति आरूढ़न यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की वह विधि जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति संकेत तरंग के आयाम के अनुरूप परिवर्तित की जाती है, आवृत्ति आरूढ़न कहलाती है। उसका उपयोग ब्रॉडकास्टिंग तथा टेलीकास्टिंग में श्रव्य संकेत प्रसारण हेतु किया जाता है। तीसरा है पल्स आरूढ़न यानी पल्स मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की वह विधि जिसमें साइन वेव आकृति के स्थान पर वर्गाकार पल्सेस वाहक तरंग के रूप में प्रयोग की जाती है, पल्स मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। तो ये रेडियो रिसीवर के कुछ मुख्य चार सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है संग्रहण, भूतल पर वायुमंडल अंतरिक्ष में स्थापित प्रतीक चालक में ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंगें RF विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देती है। यह RF विद्युत वाहक बल ही रिसीवर के लिए RF इनपुट का काम करता है, यह क्रिया संग्रहण कहलाती है। इसके लिए ARL का प्रयोग किया जाता है। फिर है चयन, विश्व में कार्यरत अनगिनत ट्रांसमीटर के द्वारा अंतरिक्ष में प्रसारित अनगिनत रेडियो तरंगों में से वांछित आवृत्ति की रेडियो तरंग छांटना आवश्यक है, तभी उसमें से श्रव्य या दृश्य तरंग का पुनरुत्पादन किया जा सकता है, यह क्रिया चयन कहलाती है और इसके लिए श्रेणी अनुनाद परिपथ प्रयोग किया जाते हैं। फिर है डिटेक्शन, चयनित आवृत्ति के रेडियो तरंग में से संकेत तरंग को पृथक करना डिटेक्शन कहलाता है। इस कार्य के लिए PN जंक्शन डायोड प्रयोग किया जाता है। चौथा है पुनरुत्पादन, संकेत तरंग को श्रव्य तरंगों अर्थात दृश्य में परिवर्तित करना पुनरुत्पादन कहलाता है। इस कार्य के लिए क्रमश हेडफोन या लाउड स्पीकर या पिक्चर ट्यूब प्रयोग की जाती हैं। अब सबसे पहले TRF रिसीवर, रेडियो तरंगों के संग्रहण के मूल सिद्धांत पर आधारित विश्व का सर्वप्रथम रिसीवर क्रिस्टल रिसीवर कहलाता है। इसमें संग्रहण के लिए 25 से 30 फीट लंबा चालक तार 20-25 फीट ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है जो एरियल का काम करता है। आवर्ती चयन के लिए लगभग 300 लपेट वाली लंबी कुंडली और 30 से 300 पिक्रोफेरेट मान का परिवर्ती संगारित प्रयोग किया जाता है। डिटेक्शन के लिए PN संगम डायोड तथा पुनरुत्पादन के लिए उच्च अपघात वाला हेडफोन प्रयोग किया जाता है।
क्रिस्टल रिसीवर की कार्य सीमा 50 से 80 किलोमीटर होती है। इससे अधिक दूरी पर संग्रहण के लिए रिसीवर में RF तथा AF प्रवर्तक प्रयोग किए जाते हैं। प्रवर्धक परिपथों के उपयोग पर आधारित रिसीवर ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर या TRF रिसीवर कहलाते हैं। इसमें चयन तथा डिटेक्शन खंडों के बीच 2 या 3 RF प्रवर्तक इकाइयां प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार संकेत तरंग इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह लाउड स्पीकर को चला सकती हैं और अनेक व्यक्ति एक साथ कार्यक्रम सुन सकते हैं। रेडियो रिसीवर की किस्में, टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर, ये 3 प्रकार के हैं, क्रिस्टल रिसीवर, TRF या ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर और सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। क्रिस्टल रिसीवर एक सरलतम रेडियो रिसीवर है। इसका आविष्कार 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। उपयोगी दूरी तक 50 से 80 किलोमीटर कार्य करने वाला क्रिस्टल रिसीवर सन 1907 में बन सका था। चित्र 7.1 में नीचे दर्शाया गया सरल क्रिस्टल रिसीवर का सर्किट दर्शाया है। इसमें रिसेप्शन के लिए लगभग 5 से 7 मीटर ऊंचा और 15 से 20 मीटर लंबा चालक तार एरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चयन के लिए LC सर्किट प्रयोग किया जाता है जिसमें कैपेसिटर अथवा कोयल का मान परिवर्तित करने की व्यवस्था की जाती है। मीडियम वेव रिसीवर के लिए 32 SWG के इनमेल्ड कॉपल तार की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर व्यास की इकहरी परत वाली कोयल पर्याप्त होती है। वेरिएबल कैपेसिटर न भी लगाया जाए तो भी केवल कॉइल ही स्ट्रे कैपेसिटेंस की सहायता से सीरीज रेजोनेंस सर्किट का कार्य करती है। इस स्थिति में कॉइल का मान परिवर्तित करने की व्यवस्था आवश्यक है। चयन के पश्चात डिटेक्शन के लिए क्रिस्टल अथवा PN जंक्शन डायोड प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक प्रकार के रिसीवर में क्वार्ट्ज या सिलिकॉन का क्रिस्टल प्रयोग किया जाता था। डिटेक्शन के पश्चात रिप्रोडक्शन के लिए हेडफोन प्रयोग किया जाता है। हेडफोन के अक्रॉस 100 पिक्रोफेरेड मान का कैपेसिटर RF बाईपास कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल रिसीवर में लाउड स्पीकर प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसका इम्पीडेंस बहुत कम होता है और क्रिस्टल रिसीवर में रिप्रोडक्शन के लिए हाई इम्पीडेंस युक्ति आवश्यक होती है। क्रिस्टल रिसीवर के साथ एक अच्छे अर्थ संबंध का प्रयोग करना भी आवश्यक है। इस प्रकार के रिसीवर अब प्रचलन में नहीं है क्योंकि इनकी चयनता और सुग्राहिता बहुत कम होती है। तो ये आपके सामने क्रिस्टल रिसीवर का सिंपल आरेख है। इसको अपनी स्केचबुक में बना लीजिए। अब आता है TRF रिसीवर। सन 1907 में ट्रायड वाल्व का आविष्कार हो जाने के बाद सन 1909 में ट्रायड वाल्व का उपयोग करते हुए जो पहला रेडियो रिसीवर बनाया गया वह ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर या TRF रिसीवर कहलाया। इस रिसीवर में एरियल से प्राप्त रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही डिटेक्शन क्रिया संपन्न की जाती है। डिटेक्शन से पूर्व कई RF एम्पलीफायर स्टेजेस लगाई जाती हैं जो ट्यून प्रकार की होती है। डिटेक्टर स्टेज के बाद कई AF एम्पलीफायर स्टेज लगाई जाती हैं। इस प्रकार अंतिम AF एम्पलीफायर से प्राप्त होने वाला AF सिग्नल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उससे एक या अधिक लाउड स्पीकर चलाए जा सकते हैं और अनेक श्रोता एक साथ रेडियो कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो चित्र 7.2 में TRF रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है। यह भी आपके सामने प्रस्तुत है TRF रिसीवर का ब्लॉक आरेख। तो ये इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, आपको डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखना है। इसलिए इस सर्किट को अपनी स्केचबुक में बना लीजिए जो ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सिंपल ब्लॉक आरेख TRF रिसीवर का आपके सामने। TRF एम्पलीफायर स्टेज में ट्रायोड पेंटोड वाल्व या ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक स्टेज का इनपुट सर्किट ट्यून प्रकार का होता है। प्रत्येक ट्यून सर्किट को ऐच्छिक फ्रीक्वेंसी पर एक निश्चित RF रेंज में ट्यून किया जा सकता है। इसके लिए RF ट्रांसफार्मर तथा परिवर्तनीय कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। चित्र 3 में TRF रिसीवर की ट्यून्ड RF एम्पलीफायर स्टेज दर्शाई गई है। TRF का एम्पलीफायर का कार्य प्रचालन, इसमें एरियल से प्राप्त RF सिग्नल ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होता है। L1 C1 एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के रूप में उच्च इम्पीडेंस प्रस्तुत करता है जिसके कारण ऐच्छिक फ्रीक्वेंसी के लिए उच्च विभवांतर पैदा होता है जो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस को दे दिया जाता है। ऐच्छिक फ्रीक्वेंसी के अतिरिक्त अन्य फ्रीक्वेंसी के लिए इम्पीडेंस मान कम होता है जिससे कि अन्य फ्रीक्वेंसीज अर्थ में बाईपास हो जाती हैं। तब आपके सामने ये TRF एम्पलीफायर स्टेज का सर्किट डायग्राम दे रखा है। ये अपनी स्केच बुक में बना लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है।
L2C2 भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाता है जिस पर कि L1C1 किया गया है। प्रयोगात्मक रूप से C1 तथा C2 गैंग कैपेसिटर के खंड होते हैं और L1 तथा L2 बिल्कुल एक समान होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्टेज की ट्यूनिंग करने से सर्किट की चयनता बहुत बढ़ जाती है और संलग्न चैनल का इंटरफेरेंस दोष भी दूर हो जाते हैं। TRF एम्पलीफायर स्टेज को श्रेणी A एम्पलीफायर के रूप में प्रचलित किया जाता है जिससे कि रिसीवर में न्यूनतम डिस्टोर्शन हो। रिसीवर में 2 या 3 RF एम्पलीफायर स्टेजेस को कैस्केड संयोजन में जोड़ा जाता है। इन स्टेजेस के टैंक सर्किट का क्यू मध्य स्तर पर रखा जाता है जिससे कि RF के साथ मॉड्यूलेटेड AF सिग्नल का भी समुचित एम्पलीफिकेशन होता रहे। कैस्केड एम्पलीफायर के डिज़ाइन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि रिसीवर की सेलेक्टिविटी उसकी फिडेलिटी को समाप्त न कर दें, अतः टैंक सर्किट की ट्यूनिंग बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए। अब हेट्रोडाइनिंग। सन 1917 में मेजर आर्मस्ट्रांग ने हेट्रोडाइनिंग नामक सिद्धांत के आधार पर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर तैयार किया था। इस रिसीवर की सुग्राहिता TRF एम रिसीवर की अपेक्षा बहुत अधिक थी। आजकल अधिकांश रेडियो रिसीवर सुपर हेट्रोडाइन प्रकार के ही होते हैं। हेट्रोडाइन सिद्धांत के अनुसार यदि 2 फ्रीक्वेंसी A तथा B को किसी एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट में एक साथ दिया जाए तो उसके आउटपुट में निम्न फ्रीक्वेंसी विद्यमान होगी। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी है, इस प्रकार आउटपुट की फ्रीक्वेंसी विद्यमान होगी। तो इसका सिद्धांत क्या है? सुपर हाइड्रोजन रिसीवर में मैं उसके एरियल से प्राप्त होने वाली किसी भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को एक नियत मान की निम्न फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह नियत फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या IF कहलाती है। इस नियत फ्रीक्वेंसी पर रिसीवर में अत्यधिक चयनता, स्थिरता, सुग्राहिता प्राप्त की जाती है। उपरोक्त फ्रीक्वेंसी में से प्रथम 4 फ्रीक्वेंसी अधिक शक्तिशाली होती है। इनमें से A-B अथवा B-A का मान निश्चय ही A अथवा B के मान से कम होगा। यदि B RF सिग्नल फ्रीक्वेंसी हो और A स्थानीय ऑसिलेटर से पैदा की गई फ्रीक्वेंसी हो तो A-B का मान ऐसा प्राप्त किया जा सकता है जो उच्चतम रेडियो फ्रीक्वेंसी 3×106 MHz की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाए, साथ ही निम्नतम रेडियो फ्रीक्वेंसी 20 kHz मान से भी अधिक हो। इस प्रकार स्थानीय ऑसिलेटर की सहायता से उच्च मान की रेडियो फ्रीक्वेंसी को निम्न मान की रेडियो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करने की क्रिया हेट्रोडाइनिंग कहलाती है। दूसरे शब्दों में 2 फ्रीक्वेंसीज के बीट करके तीसरी नई फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना ही हेट्रोडाइनिंग कहलाती है। हेट्रोडाइनिंग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली निम्न फ्रीक्वेंसी में भी वही मॉड्यूलेशन विद्यमान रहता है जो कि उच्च RF सिग्नल फ्रीक्वेंसी में था। उदाहरण के लिए यदि RF सिग्नल फ्रीक्वेंसी का मान 1500 kHz हो और स्थानीय ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का मान 1955 kHz हो तो 1955 में से 1500 माइनस किया तो 455 kHz की निम्न रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी। 455 kHz की फ्रीक्वेंसी में वही मॉड्यूलेशन भी विद्यमान रहेगा जो कि 1500 kHz की फ्रीक्वेंसी में था। अब सुपर हाइड्रोजन रिसीवर इसकी क्या आवश्यकता है? RF एम्प्लीकेशन में यह कठिनाई सामने आती है कि कोई भी RF एम्पलीफायर स्टेज एक बड़े RF रेंज उदाहरण के लिए 550 kHz से 25 MHz पर सभी फ्रीक्वेंसी का एक समान एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाती है। अतः TRF रिसीवर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी अथवा एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही संतोषजनक रूप से कार्य कर सकता है। इस समस्या को सुलझाया सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का ब्लॉक आरेख। इस ब्लॉक आरेख को अपनी स्केचबुक में बना लीजिए और इंजन ड्राइंग की तैयारी के लिए अपनी स्केचबुक में तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। फ्रीक्वेंसी परिवर्तन की क्रिया हेट्रोडाइनिंग सिद्धांत पर स्थानीय ऑसिलेटर की सहायता से संपन्न की जा सकती है। किसी भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक नियत मान की IF में परिवर्तित करने के लिए रिसीवर में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी और स्थानीय ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में एक साथ और समान फ्रीक्वेंसी परिवर्तन उत्पन्न हो। इस प्रकार ऑसिलेटर तथा सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अंतर OF-SF नियत बना रहेगा क्योंकि उपरोक्त व्यवस्था हेट्रोडाइनिंग से भी बढ़कर है। इसलिए इसे सुपर हेट्रोडाइन कहा गया है और इस सिद्धांत पर बने रिसीवर सुपर हेट्रोडाइन या सुपर हेट रिसीवर कहलाते हैं। अब आता है FM रिसीवर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल के रिसेप्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिसीवर FM रिसीवर कहलाते हैं। यह रिसीवर भी सुपर हेट्रोडाइन प्रकार के होते हैं। इनमें सामान्य डायोड डिटेक्टर के स्थान पर रेशियो डिटेक्टर प्रयोग किया जाता है और डिटेक्टर तथा IF एम्पलीफायर के बीच एक लिमिटर स्टेज लगाई जाती है। चित्र 7.8 में FM रिसीवर का रेखाचित्र दर्शाया गया है। शेष सभी स्टेज उसी प्रकार है
जिस प्रकार एम सिबलेंट रिसीवर में होती है। यह एफएम रिसीवर का ब्लॉक आरेख आपके सामने प्रस्तुत है, अपने स्केचबुक में बना लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एएम तथा एफएम रिसीवर की तुलना। यह तुलना आप पढ़ लीजिए, दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट है ट्रांसमीटर, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमीटर। रेडियो तरंगों को पैदा करने और उन्हें सिग्नल वेव के साथ मॉड्यूलेट करके अथवा बिना मॉड्यूलेट किए अंतरिक्ष में फैलाने वाला उपकरण ट्रांसमीटर कहलाता है। सर्वप्रथम सन 1883 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज ने एक ट्रांसमीटर बनाया था जो कि स्पार्क ट्रांसमीटर कहलाता था। इसके द्वारा केवल मॉर्स संकेत प्रेषित किया जा सकते थे। सन 1909 में पहला वाल्व युक्त रेडियो टेलीफोन ट्रांसमीटर तैयार हुआ और तब से अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के ट्रांसमीटर बनाए जा चुके हैं। सभी प्रकार के ट्रांसमीटर में निम्न खंड होने आवश्यक हैं: कैरियर वेव ट्रांसमीटर, आरएफ ऑसिलेटर, एंटीना, मॉड्यूलेटर कैरियर वेव ट्रांसमीटर, आरएफ ऑसिलेटर, सिग्नल प्रोड्यूसर, मॉड्यूलेटर, एंटीना। एएम ट्रांसमीटर, एएम अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम यह चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। इसमें निम्नलिखित स्टेज होती हैं: आरएफ ऑसिलेटर, यह प्राय क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो आवश्यक मान की रेडियो फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। बफर एम्पलीफायर, यह एक ऐसा आरएफ एम्पलीफायर है जो ऑसिलेटर से पावर नहीं लेता है। यह श्रेणी ए प्रकार के एम्पलीफायर होता है। इसका मुख्य कार्य है ऑसिलेटर को आउटपुट स्टेज के पावर परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रखना है। तीसरा हार्मोनिक एम्पलीफायर, यह एक विशेष प्रकार की आरएफ एम्पलीफायर स्टेज है जिसका आउटपुट सर्किट इनपुट की दुगनी अथवा चौगनी फ्रीक्वेंसी के लिए प्रदान किया जाता है। यह स्टेज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी कहलाती है। तब आपके सामने लो लेवल मॉड्यूलेशन टाइप और दूसरा है हाई लेवल मॉड्यूलेशन टाइप एएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक आरेख। तो एएम ट्रांसमीटर के जो ब्लॉक आरेख हैं, लो लेवल और हाई लेवल दोनों आपको अपनी सर्किट स्केच बुक में बनाना है। ये लो लेवल वाला है और ये आपके सामने हाई लेवल वाला। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एम्पलीफायर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह पावर एम्पलीफायर है और बफर एम्पलीफायर के बीच की एम्पलीफायर स्टेज है। यह वोल्टेज एम्पलीफायर होता है और हाई लेवल मॉड्यूलेशन के आवश्यक आरएफ एम्पलीफिकेशन करता है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंगों को वैद्युतिक तरंगों में परिवर्तित करता है। ऑडियो एम्पलीफायर, इसका कार्य माइक्रोफोन से प्राप्त होने वाले एफ सिग्नल का वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करना होता है। मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर या मॉड्यूलेटर, ये एक सामान्य एफ पावर एम्पलीफायर स्टेज होती है जो एफ सिग्नल की पावर को मॉड्यूलेशन के आवश्यक होती है आवश्यक मान तक बढ़ाती है। इस स्टेज से एफ सिग्नल आरएफ पावर एम्पलीफायर में मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। यदि लो लेवल मॉड्यूलेशन करना हो तो मॉड्यूलेटर का आउटपुट इंटरमीडिएट एम्पलीफायर स्टेज को दिया जाता है। आरएफ पावर एम्पलीफायर, यह आरएफ पावर एम्पलीफायर स्टेज है। इसमें एएफ सिग्नल का आरएफ कैरियर के साथ मॉड्यूलेशन होता है और मॉड्यूलेटेड वेव का आरएफ पावर एम्पलीफिकेशन होता है। यहीं से मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंटीना को दिया जाता है। इस स्टेज में प्रायः 2-3 पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर वाल्व पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं और वे श्रेणी सी एम्पलीफायर की भांति काम करते हैं। फिर एंटीना, प्रत्येक ट्रांसमीटर के लिए एंटीना या एरियल एक मौलिक आवश्यकता है। एंटीना के अतिरिक्त बड़े ट्रांसमीटर 100 वाट या अधिक के लिए एक अच्छा अर्थ कनेक्शन भी आवश्यक होता है। अर्थ कनेक्शन ऑपरेटर को विद्युत झटके से सुरक्षित रखता है और साथ ही रेडियो तरंगों के विस्तार में सहायक होता है। अब एफएम ट्रांसमीटर, एफएम अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम चित्र 7.12 में दे रखा है। तो इसमें निम्नलिखित स्टेज होती है। पहला माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंगों को वैद्युतीय तरंगों अर्थात एफ सिग्नल में परिवर्तित करता है। दूसरा रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, यह ऑडियो एम्पलीट्यूड परिवर्तनों को फ्रीक्वेंसी परिवर्तनों में बदलता है। इस क्रिया के बिना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं किया जा सकता। रिएक्टेंस मॉड्यूलेशन की कार्यप्रणाली का वर्णन मॉड्यूलेशन नामक अध्याय में किया जा चुका है। आरएफ ऑसिलेटर, यह एक सामान्य क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो उदाहरण के लिए 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का उपयोग वीएचएफ तथा यूएचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड में किया जाता है। अतः एफएम ट्रांसमीटर में ऑसिलेटर से पैदा की गई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर स्टेज प्रयोग की जाती हैं। ब्लॉक डायग्राम को सरल बनाने के लिए चित्र में केवल एक स्टेज ही दर्शाई गई है। आरएफ पावर एम्पलीफायर, यह स्टेज मॉड्यूलेटेड आरएफ सिग्नल की वोल्टेज
और साथ ही करंट अर्थात पावर का एम्पलीफिकेशन करती हैं। ट्रांसमीटर में यह स्टेज प्राइस श्रेणी सी प्रकार की होती है। यद्यपि श्रेणी सी एम्पलीफायर में 60 से 75% तक सिग्नल डिस्टोर्शन होता है, परंतु साथ ही इससे सर्वाधिक एम्पलीफिकेशन भी होता है। इसके अतिरिक्त डिस्टोर्शन द्वारा कटे सिग्नल की पूर्ति प्लेट टैंक सर्किट का कैपेसिटर करता रहता है। एंटीना यह मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स को अंतरिक्ष में फैला देता है। तब आपके सामने अब ये सर्किट जो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है, यह है एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक आरेख। तो ये अपनी स्केच बुक में बना लीजिए, एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक आरेख। आरएफ ऑसिलेटर यह 9.9 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यह 9.9 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ाकर 99 मेगाहर्ट्ज़ कर देता है। मिक्सर इस स्टेज में 99 मेगाहर्ट्ज़ और ट्रांसमीटर के मुख्य भाग की फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ के बीच हेटरोडाइनिंग की जाती है। इसके लिए 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का कुछ अंश मिक्सर में फीड किया जाता है। हेटरोडाइनिंग क्रिया के फलस्वरूप 1 मेगाहर्ट्ज़ की अंतर फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, जिसे IF एम्पलीफायर को दे दिया जाता है। IF एम्पलीफायर एक मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का RF एम्पलीफायर होता है। डिस्क्रिमिनेटर यह स्टेज 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करके स्थिर मान का DC आउटपुट तैयार करती है, परंतु इस DC आउटपुट का वोल्टेज मान तभी तक स्थिर रहता है जब तक कि इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज पर स्थिर रहती है। ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित होने पर डिस्क्रिमिनेटर की इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान भी बदल जाता है, फलस्वरूप DC आउटपुट वोल्टेज का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। यह परिवर्तित वोल्टेज मान रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर वाल्व के ग्रिड अथवा ट्रांजिस्टर के बेस को दे दिया जाता है। यह वोल्टेज एक प्रकार से नियंत्रक वोल्टेज का कार्य करता है और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर वाल्व अथवा ट्रांजिस्टर में इतना फेज विचलन पैदा कर देता है कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी अपने पूर्व मान पर आ जाए। इस प्रकार ट्रांसमीटर की केंद्रीय फ्रीक्वेंसी स्थिर हो जाती है। तब आपके सामने ये सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्केच बुक में बना लीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले RF एम्पलीफायर है, मिक्सर है, IF एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है, AF एम्पलीफायर है, पावर सप्लाई है, लोकल ऑसिलेटर है। तो सबका कार्य आपको अभी आपको समझाया है और ब्लॉक आरेख इस प्रकार से याद करके जाएं, बनाएं अपनी स्केच बुक में। अब आपके सामने है AM ट्रांसमीटर का ब्लॉक आरेख। इसको वापस देख लिए, सरल आरेख दे रखा है, इसको भी अपनी स्केच बुक में बनाएं। फिर FM प्रसारण ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम। तो ये जितने भी ब्लॉक डायग्राम हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड से हैं और आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो ब्लॉक डायग्राम जरूर याद करके जाएं और प्रैक्टिस करें, अपने स्केच बुक में जल्दी बनाएं इसे। अब डिलेड ABC सर्किट और रेडियो रिसीवर ABC सर्किट का ये सर्किट डायग्राम। फिर लिमिटर सर्किट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM ट्रांसमीटर लो लेवल मॉड्यूलेशन अभी हमने देखा था, इसको दोबारा देखिए, सरल आरेख है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 160 मेगाहर्ट्ज कैरियर वेव ट्रांसमीटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM ट्रांसमीटर हाई लेवल मॉड्यूलेशन। इन सब के बारे में आपको समझा दिया है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM ट्रांसमीटर, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। तो जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स हैं आप इनको स्केच बुक में बनाकर अपनी फाइल तैयार करें। थैंक यू।